जहां एक तरफ भारत पर महामारी का खतरा मंडरा रहा है और देश अपने घरों में बंद रहकर इस बीमारी को हराने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर संकट की भीषण घड़ी में कुछ महीनों पहले केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू और कश्मीर में नागरिकों की परिभाषा ही बदल गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा सरकारी गजट में डोमिसाइल लॉ की घोषणा की है। यहाँ के लोगों के लिए नया डोमिसाइल कानून लागू कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के 138 कानूनों में संशोधन की घोषणा करते हुए एक गजट अधिसूचना जारी की, जिसमें जम्मू और कश्मीर के नागरिक होने की शर्त का उल्लेख किया गया। अब आपको बताते हैं कि जम्मू और कश्मीर में रहने वाले नागरिकों की नागरिकता के लिए सरकार ने क्या शर्तें मंजूर की है। इस शर्त में सबसे पहले ये उल्लेख किया गया है कि जम्मू और कश्मीर में 15 साल तक रहने वाला व्यक्ति वहां का नागरिक कहलाएगा। कश्मीर में 7 साल तक पढ़ाई करने वाला और 10वीं और 12वीं की परीक्षा यहाँ के स्थानीय संस्थान से देने वाला व्यक्ति भी कश्मीर का निवासी माना जाएगा। जिन केंद्र सरकार के अधिकारियों ने घाटी में 10 वर्षों की कुल अवधि के लिए यहाँ अपनी सेवाएं दी है, उनके बच्चों को भी यहाँ का स्थायी निवासी माना जाएगा। इस नए कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति ग्रुप 4 वाले पद के लिए तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक वो जम्मू कश्मीर का नागरिक ना हो। दूसरे शब्दों में कहें तो 25,500 रुपए के वेतन वाले ग्रुप 4 की नौकरियां यहां के लोगों के लिए आरक्षित की गई है। इनमें पुलिस कांस्टेबल पद तक की नौकरियां शामिल की गई है। नए नियम प्रवासियों को ग्रुप 4 की नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति देते हैं। इससे उन कश्मीरी हिंदुओं को बड़े पैमाने पर लाभ होगा जो वहां से पलायन करने के लिए मजबूर थे। यह नियम मुस्लिमों और सिख प्रवासियों पर भी लागू होता है। नए नियम में उन सभी प्रवासियों को भी शामिल किया गया है जो इस पूर्ववर्ती राज्य के राहत व पुनर्वास आयुक्त द्वारा रजिस्टर किए जा चुके हैं। नए कानून के मुताबिक राज्य के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब सरकारी खर्चे पर आवास, टेलीफोन, बिजली, पेट्रोल, वाहन चालक और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। इनमें राज्य के 4 पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद शामिल हैं। धारा 370 को खत्म किए जाने से पहले केवल पूर्ववर्ती राज्य के स्थायी निवासी माने जाने वाले लोग ही राज्य सरकार में नौकरी पा सकते थे। इसी के साथ यहाँ के रहने वाले अपने तहसीलदार से मूल निवासी का प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अनुच्छेद 35A के तहत यहाँ की स्थायी नागरिकता जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा तय की जाती थी, लेकिन गजट में जारी हुई इस अधिसूचना के बाद जम्मू कश्मीर सरकार के इन सभी निर्णय को अवैध माना जाएगा और इस सूचना के मुताबिक ही वहाँ किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी। श्वेता चौहान के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।